हेलो दोस्तों, मिथिल में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपका दोस्त हेमंत। तो अनलॉक टूल में इन्फिनिक्स और टेक्नो टैब को कैसे यूज़ करना है, इसके ऊपर ये वीडियो है। और टैब हैं जो वीवो, सैमसंग, ओप्पो, इसके ऊपर MI, इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो आ चुका है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। बाय कैसे करना है, इसके ऊपर वीडियो आ चुका है, वो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिएगा। और एक एक टैब के ऊपर वीडियो इसलिए आ रहा है ताकि आप एक एक टैब को समझ सकें कि मतलब कैसे यूज़ करना है इसको। तो मेरा जो है अनलॉक टूल ओपन है। अगर आपके पास टेक्नो का कोई भी मोबाइल आता है, टेक्नो इन्फिनिक्स दोनों सेम है, भाई भाई है, पर दोनों की मेथड सेम है, प्रोसेसिंग सेम है, मतलब अंदर का जो मटेरियल है वो भी सेम है। तो अगर आपके पास कोई टेक्नो का मोबाइल आता है तो टेक्नो में भी जो प्रीलोडर, मीडियाटेक में प्रीलोडर अपडेट आ चुका है यहाँ पे। तो जैसा हम वीवो में कर रहे थे वर्जन 1 वर्जन 2, सेम यहाँ पे भी करेंगे वर्जन 1 वर्जन 2, क्योंकि जो लेटेस्ट अपडेट हो गए होंगे मोबाइल वो जो है वर्जन 1 वर्जन 2, या तो वर्जन 1 पे अनलॉक होगा और उस पर एरर देता है तो वर्जन 2 पे आपका अनलॉकिंग हो जाएगी। मॉडल जो है यहाँ पे हैं, पहले आपको वही सेम कंडीशन है, आपको पहले अगर आपको उस मोबाइल आता है CPU देखना है, फिर वो मॉडल आपको यहाँ पे देखना है कि उसमें CPU कौन सा है, या तो मीडियाटेक होगा या फिर क्वालकॉम या SPD। तो यहाँ पे है लगभग सभी मीडियाटेक CPU मोबाइल ऐड हैं इसमें, SPD CPU भी हैं और क्वालकॉम जो है क्वालकॉम भी ऐड हैं यहाँ पे। क्वालकॉम यहाँ पे एक भी नहीं है, ओनली SPD और मीडियाटेक CPU है। तो यहाँ पे मीडियाटेक पे काम होगा और SPD पे काम होगा, इसीलिए यहाँ पे जो है EDL मोड का ऑप्शन नहीं है। तो टेक्नो में केवल ये मीडियाटेक और SPD CPU का अपडेट जो है अनलॉक टूल में है। तो दोनों मोबाइल को, दोनों CPU में, मतलब मीडियाटेक हो चाहे क्वालकॉम हो, कनेक्ट कराने की प्रोसेस सेम है। मोबाइल को स्विच ऑफ यहाँ पे कमांड देंगे पहले, जैसे Erase FRP करना है, मॉडल आपने जो भी है चाहे क्वालकॉम का हो चाहे मीडियाटेक का हो, या तो BROM से होगा या प्रीलोडर मोड पे होगा, तो कंडीशन सेम है। आपको सिर्फ मॉडल यहाँ पे कनेक्ट कराना है, जो भी मॉडल हो। सपोज़ आपके पास टेक्नो 7CS आया तो आपको प्रीलोडर पे टिक लगाना है यहाँ पे वर्जन 2, और Erase FRP है तो Erase FRP फैक्ट्री रीसेट, इस पर आपको क्लिक किया, मॉल स्विच ऑफ करके वॉल्यूम डाउन की को दबा के रखा, केबल को लगाया, आपका जो भी मॉडल होगा चाहे मीडियाटेक का हो चाहे SPD का हो, ये मैंने मीडियाटेक का बताया आपको। अगर SPD CPU रहता है तो SPD CPU में आपको सेलेक्ट करके बता देता हूँ, ये है Tecnopop 7। तो यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे प्रीलोडर का ऑप्शन नहीं है, सीधा आपको Erase FRP पे क्लिक करना है, वॉल्यूम स्विच ऑफ करके वॉल्यूम डाउन की को दबा के रखना है, केबल को लगा देना है पहले यहाँ पे कमांड देके। जब यहाँ पे वेटिंग फॉर डिवाइस लिखा जाए, यहाँ पे वेटिंग फॉर डिवाइस लिखा जाए, तब जाके आपको वॉल्यूम कनेक्ट कराना है, पहले यहाँ पे क्लिक कर देना है। और सेम ये तो होगा टेक्नो का, बहुत ही सिंपल है, इसके पहले मैं जो वीडियो आ रहा हूँ मैं आपको बता ही चुका हूँ। अब आते हैं इन्फिनिक्स पे। तो इन्फिनिक्स में जो है मीडियाटेक और SPD और क्वालकॉम तीनों CPU आते हैं। इन्फिनिक्स मोबाइल जो है SPD में भी आता है और SPD CPU आता है, मीडियाटेक भी और क्वालकॉम भी। मीडियाटेक का जो फंडा है सेम जैसा मैंने टेक्नो में आपको बताया वैसा ही है। मीडियाटेक का मोबाइल कोई भी है सेलेक्ट करना है, प्रीलोडर पे आपको टिक लगाना है, वर्जन डायरेक्ट 2 ही सेलेक्ट करें तो और ठीक है, वर्जन 1 पे अगर एरर आता है तो वर्जन 2 ही डायरेक्ट सेलेक्ट किया आपने, आपका अनलॉकिंग अगर सपोर्ट होगा उस सिक्योरिटी तक तो हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो एरर दे देगा। अनलॉक बूट लोडर करना है, ये मैं ऑलरेडी आपको पहले बता चुका हूँ, अनलॉक बूट लोडर, रीलॉक बूट लोडर, फैक्ट्री रीसेट, ये आपको करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर क्वालकॉम CPU है तो, या टाइगर यूनिसॉक CPU है, तो सेम वही मेथड रहेगी, Erase FRP पे क्लिक करेंगे, मोबाइल को स्विच करके वॉल्यूम अप डाउन क्यू को दबा के रखेंगे, केबल को लगाएंगे, लेकिन पहले आपको यहाँ पे मॉडल देख लेना है कि सपोर्टेड है या नहीं है। जो मेन वीडियो रहेगा वो रहेगा क्वालकॉम टैब पे, मीडियाटेक पे और स्पेक्ट्रम पे, क्योंकि पूरा जो टूल है वो इन्हीं के अंदर है, क्वालकॉम के अंदर, मीडियाटेक के अंदर, स्पेक्ट्रम के अंदर। अगर ये बाकी टैब डिलीट भी कर दें अनलॉक टूल से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो अनलॉकिंग है वो पूरी यहाँ से होती है, स्पेक्ट्रम से, क्वालकॉम से, मीडियाटेक से। बाकी अगर ये अनलॉक टूल वाले सारे टैब हटा भी दें तब भी उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि सभी टूल मॉडल हैं वो यहाँ पे लिस्टेड हैं। क्वालकॉम में जो क्वालकॉम CPU वाले हैं वो इसमें लिस्टेड हैं, और मीडियाटेक CPU के जो हैं मीडियाटेक की टैब में अंदर सभी मॉडल ऐड हैं। तो ये सब दिखाने के लिए उन्होंने रखा हुआ है, ये हाथी के दांत हैं और पूरा जो चबाने वाली डाढ़ है वो यहाँ पे है, क्वालकॉम में और मीडियाटेक में और स्पेक्ट्रम में। तो टाइगर CPU आता है अगर इन्फिनिक्स में तो सेम मेथड है, स्विच ऑफ कमांड, इस पर क्लिक करना है और वॉल्यूम को दबा के रखना है, केबल को लगा देना है। अगर क्वालकॉम CPU है, क्वालकॉम CPU में आपको EDL से कनेक्ट कराना है, और EDL आपको यहाँ से टेस्ट पॉइंट से मिल जाएगा, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको जो है टेक्नो है तो आप टेक्नो का यहाँ से देख सकते हैं, या फिर
गूगल कर लीजिएगा, गूगल से मिल जाएगा। केबल से कनेक्ट करा तो केबल से कनेक्ट भी करा सकते हैं, वॉल्यूम अप डाउन की से, वॉल्यूम अप डाउन की दबा के रखेंगे, केबल लगाएंगे, अगर सपोर्टेड होगा तो वो क्वालकॉम जो है आपका पोर्ट आ जाएगा, खोलने की ज़रूरत नहीं है। कुछ मॉडल में जो है कनेक्ट हो जाता है क्वालकॉम सीपीयू इन्फिनिक्स में। और एक टैब और है जो है लेनोवो का, तो लेनोवो में भी इसी की तरह सेम है, मतलब पी लोडर इसका अपडेट नहीं है, इसमें पी लोडर का कोई ऑप्शन नहीं है। इसमें एसपीडी सीपीयू, मीडियाटेक और क्वालकॉम तीनों सीपीयू आते हैं। तो मीडियाटेक का जो है सेम रहेगा, अगर जैसे आपको कोई मीडियाटेक सीपीयू तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे मीडियाटेक पे, और जो है ये आपका बी रोम मोड पे हो जाएगा। बी रोम में वही इरेज एफआरपी करना है, एफआरपी फैक्ट्री सेट करना है, लॉक बूट ऑर्डर करना है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे अगर आपने देखा हो तो टेक्नो में जो है यहाँ पे कोई भी फंक्शन का ऑप्शन नहीं है, ना इन्फिनिक्स में फंक्शन का है ना टेक्नो में, लेकिन लेनोवो में जो है यहाँ पे फंक्शन और डीआईएजी मोड का ऑप्शन मिल जाता है। तो मीडियाटेक तो आप समझ गए कि स्विच ऑफ करके वॉल्यूम डाउन की दबा के लिए केबल लगाएंगे, पहले यहाँ पे क्लिक कर देंगे, आपका मीडियाटेक सबसे सिंपल हो जाता है। एसपीडी भी सेम है। अब रहता है क्वालकॉम, तो क्वालकॉम में या तो वॉल्यूम अप डाउन से कनेक्ट हो जाता है, जैसे ये जो मॉडल है A6020A40, ये जो है आपको क्वालकॉम में टेस्ट पॉइंट से कनेक्ट कराने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना है, वॉल्यूम स्विच ऑफ करके वॉल्यूम डाउन क्योंकि दबा के रखेंगे, केबल लगाएंगे, आपका क्वालकॉम का पोर्ट यहाँ पे आ जाएगा, और क्वालकॉम का पोर्ट आएगा और सीधा आपको जो है फैक्ट्री रीसेट करना है, फैक्ट्री रीसेट, इरेज एफआरपी करना है, इरेज एफआरपी, इस पे आप क्लिक कर देंगे तो आपका जो है काम हो जाएगा। एक चीज़ और, एसपीडी और मीडियाटेक में, स्पेक्ट्रम यूनिसॉक और मीडियाटेक सीपीयू में आपको पहले यहाँ पे क्लिक करना रहता है, बाद में आपको जो है मोबाइल कनेक्ट कराना है, लेकिन क्वालकॉम में पहले आपको मोबाइल कनेक्ट कराना है, फिर यहाँ पे क्लिक करना है कि क्या करना है, आपको अनलॉक करना है, एफआरपी करना है, फिर आपको यहाँ करना है, मतलब उल्टा चलता है। मीडियाटेक में पहले यहाँ पे क्लिक करना है फिर कनेक्ट कराना है, और क्वालकॉम में पहले मोबाइल कनेक्ट कराना है फिर क्लिक करना है यहाँ पे। और एक ऑप्शन यहाँ पे फंक्शन है, फंक्शन में अगर आपके पास कोई एफआरपी नहीं हो रही है, इसमें अपडेट हो गया है मोबाइल और आप बायपास करना चाहते हैं, तो ऑन कंडीशन में मोबाइल कनेक्ट करिए, एक्टिव ब्राउज़र पे क्लिक करिए, आपका जो है मोबाइल में ब्राउज़र डायरेक्ट, चाहे क्रोम हो चाहे मोबाइल का खुद का ब्राउज़र हो, ओपन हो जाएगा, वहाँ से आप जो है एफआरपी बायपास कर सकते हैं। ब्राउज़र ओपन नहीं हो रहा तो गूगल मैप ओपन हो जाएगा, और एमटीपी ड्राइवर इंस्टॉल कर लीजिएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो इसके जो एमटीपी ड्राइवर हैं लेनोवो के वो इंस्टॉल हो जाएंगे, और डीआईजी मोड पर जो है आई एम आई का जो है बैकअप कर सकते हैं आप। ये मैंने जो 3-4 वीडियो है उनमें सब मैं आपको बता ही चुका हूँ कि डी आई जी मोड पर जो है आप क्यूसीएन रीड राइट कर सकते हैं, क्यूसीएन आई एम आई सिक्योरिटी की फाइल है, सबसे ऊपर से आप आई एम आई रिपेयर कर सकते हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे, आई एम आई नंबर वगैरह यहाँ पर डालेंगे, और जो है डी आई जी पोर्ट इनेबल करने के बाद सेटिंग में जाके मोबाइल की यू एस बी डिबगिंग ऑन करके, ओ ई एम अनलॉक, यू एस बी डिबगिंग ऑन करके फिर आपका जो है डी आई जी पोर्ट आ जाएगा, या तो कोर्ट से आएगा या फिर यहाँ ये यू एस बी डिबगिंग ऑन करने पे आपका आ जाएगा, फिर आप जो है यहाँ से आप आई एम आई रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको कोई फॉर्मेट करना है पूरे मोबाइल को, या फ्लैशिंग कर रहे हैं, हो सकता है कि आई एम आई ना उड़ जाए, तो आप पहले उसकी रीड की यूसीएन कर लीजिए फिर फ्लैशिंग कर दीजिए। अगर आई एम आई से बच जाता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, अगर आई एम आई जीरो हो जाता है, नल हो जाता है, तो आप उसी की यूसीएन फाइल को राइट करके डी आई जी मोड पर आप राइट कर देंगे तो आपका जो है आई एम आई आ जाएगा। और ये आई एम आई के ऊपर एक सेपरेट वीडियो आएगा, चाहे मीडियाटेक का हो चाहे क्वालकॉम का हो, सीध के आई एम आई आपको रिपेयर करना कैसे है। तो बस यही था इस वीडियो में, टेक्नो, इन्फिनिक्स और लेनोवो। बाकी जो अब वीडियो आएगा क्वालकॉम, मीडियाटेक और स्पेक्ट्रम के ऊपर आएगा। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।